नाउ अब हम एक्सिलरीज वर्ब वाले सेंटेंस को बनाना सीखेंगे कि कैसे हम एक्सिलरीज वर्ब वाले सेंटेंस को एक्टिव वाइज से पैसिव वाइज में बदलें. वाइल चेंजिंग एक्सिलरी वर्ब इनटू द पैसिव एड बी एंड द पास्ट पार्टिसिपल विद देम. एक्सिलरी वर्ब फॉर एग्जांपल कैन कुड मे माइट शुड वुड मस्ट ऑट. फॉर एग्जांपल ही कैन हेल्प मी. रूल है इसका सब्जेक्ट फिर एक्सिलरी वर्ब यानी कैन कुड मे माइट फिर उसके बाद बी फिर थर्ड फॉर्म फिर बाय फिर ऑब्जेक्ट. अब हम बनाएंगे सब्जेक्ट आई आफ्टर दैट कैन फिर बी थर्ड फॉर्म क्या आएगी हेल्प बाय ही का हिम. तो सेंटेंस बन गया आई कैन बी हेल्प बाय हिम. नाउ इंटरोगेटिव. इंटरोगेटिव में मोस्टली रूल असर्टिव की तरह ही है हु वालों को छोड़कर. रूल नंबर वन इंटरोगेटिव वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस पीएस यानी पेसिव वाइज का सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट. रूल नंबर टू इंटरोगेटिव वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस पीएसी वाइज का सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट. रूल नंबर थ्री इंटरोगेटिव वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस पीएस प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट. एंड रूल नंबर फोर इंटरोगेटिव वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस पीएस प्लस नॉट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट. इंटरोगेटिव रूल नंबर वन को अब अप्लाई करके देखेंगे सेंटेंस में. जैसा कि पहले पढ़ा था रूल नंबर वन इंटरोगेटिव वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस पीएस प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल लेते हैं एक व्हाई डज ही राइट अ लेटर. अब जब हम इनको पेसिव वाइज में कन्वर्ट करेंगे तो रूल में अप्लाई करें सबसे पहले इंटरोगेटिव वर्ड का इंटरोगेटिव वर्ड वाई का वाई आफ्टर दैट हेल्पिंग वर्ब क्योंकि यह राइट है यानी प्रेजेंट इनडेफिनेट है इस वजह से हेल्पिंग वर्ब आएगी इज. आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट अ लेटर फिर थर्ड फॉर्म रिटर्न फिर बाय फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाकर लिख देंगे यहां ही का हिम. तो सेंटेंस हो गया वाई इज अ लेटर रिटर्न बाय हिम. रूल नंबर टू इंटरोगेटिव वर्ड हेल्पिंग वर्ब पेसिव वाइज का सब्जेक्ट नॉट प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट. एग्जाम्पल है डज ही नॉट राइट अ लेटर यानी कि इंटरोगेटिव में निगेटिव. जब इसका पेसिव बनाएंगे क्योंकि डज आ रहा है हेल्पिंग वर्ब आएगी इज. तो वाई इज सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट यानी कि अ लेटर पहले आ जाएगा. वाई इज अ लेटर नॉट थर्ड फॉर्म रिटर्न बाय हिम. रूल नंबर थ्री इंटरोगेटिव वर्ड हेल्पिंग वर्ब प्लस पीएस प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट. सेंटेंस लेते हैं वाई इज ही राइटिंग अ लेटर. क्योंकि ये सेंटेंस इज आई एन जी आ रहा है और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो पेसिव वाइज बनाते समय इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगी इज बीन. इंटरोगेटिव वर्ड का इंटरोगेटिव वर्ड वाई का वाई हेल्पिंग वर्ब इज फिर पेसिव वाइज सब्जेक्ट आ गया लेटर फिर दूसरी हेल्पिंग वर्ब की जगह आ गया बींग थर्ड फॉर्म की जगह रिटर्न बाय का बाय और ऑब्जेक्ट का आ गया हिम. तो सेंटेंस हो गया वाई इज अ लेटर बींग रिटर्न बाय हिम. रूल फोर इंटरोगेटिव वर्ड हेल्पिंग वर्ब प्लस पीएस प्लस नॉट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट. Example, why is he not writing a letter? Why का why रहेगा interrogative word की जगह interrogative word. After that helping verb is. फिर आपका passive voice का subject a letter. फिर not. After that being. Third form written by him. Interrogative में who वाले sentence में थोड़ी structure change होती है. जैसे कि रूल नंबर वन बाय होम प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म यानी यहां ऑब्जेक्ट पहले आता है और थर्ड फॉर्म बाद में आती है. रूल नंबर टू बाय होम प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म. रूल नंबर थ्री बाय होम प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म. रूल नंबर फोर बाय होम प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म. इंटरोगेटिव वर्ड रूल नंबर वन
बाय होम प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म, इसे अप्लाई करेंगे सेंटेंस के साथ. हु राइट्स अ लेटर, क्योंकि यहां राइट्स आ रहा है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो हेल्पिंग वर्ब आएगी इज एम आर में से कोई एक चीज. ए लेटर है इसलिए इसमें आएगी यहां इज, तो हु के स्थान पे बाय होम, हेल्पिंग वर्ब आ गई इज, ऑब्जेक्ट हो गया लेटर, थर्ड फॉर्म रिटर्न. बाय होम इज अ लेटर रिटर्न. सेकेंड रूल है बाय होम प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म. एग्जाम्पल, हु डज नॉट राइट अ लेटर, हु के स्थान पर बाय होम, डज नॉट के स्थान पर इज, अ लेटर नॉट. जनरली हम गड़बड़ करते हैं, बाय होम इज नॉट अ लेटर लिख देते हैं, तो क्या आना है बाय होम इज अ लेटर नॉट थर्ड फॉर्म रिटर्न. जैसा कि रूल में दिखाया गया है, सबसे पहले बाय होम आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब इज, फिर ऑब्जेक्ट अ लेटर, फिर नॉट, फिर थर्ड फॉर्म. बाय होम इज अ लेटर नॉट रिटर्न. रूल नंबर थर्ड, बाय होम प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म. सेंटेंस है हु इज राइटिंग अ लेटर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, दैट्स वाई हेल्पिंग वर्ब आएगी इज बीइंग या एम बीइंग या आर बीइंग, क्योंकि यहां लेटर है इसलिए आएगी इज बीइंग. हु इज राइटिंग अ लेटर, बाय होम इज अ लेटर बीइंग, थर्ड फॉर्म रिटर्न. यहां इज बीइंग साथ नहीं आया है, पहले इज आया उसके बीच में सब्जेक्ट, आफ्टर दैट दूसरी हेल्पिंग वर्ब. सेम रूल है बाय होम, रूल नंबर फोर, सॉरी रूल नंबर फोर, बाय होम प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म. एग्जाम्पल है हु इज नॉट राइटिंग अ लेटर, बाय होम इज अ लेटर नॉट बीइंग रिटर्न. हु के स्थान पे बाय होम, हेल्पिंग वर्ब इज, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट अ लेटर, देन नॉट बीइंग थर्ड फॉर्म रिटर्न. हमारे टू सेंटेंसेस के एक्टिव से पैसिव कंप्लीट हो चुके हैं, मीन असर्टिव और इंटरोगेटिव. नाउ इज इंपरेटिव. इंपरेटिव के रूल हैं लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म, प्लीज के स्थान पर यू आर रिक्वेस्टेड टू, प्लीज डोंट के स्थान पर यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू. रूल नंबर वन, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म. एग्जाम्पल, ओपन द डोर, ओपन वर्ब है, द डोर ऑब्जेक्ट है, तो सबसे पहले अप्लाई करेंगे लेट, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट यानी द डोर, आफ्टर दैट बी एंड थर्ड फॉर्म ओपन. लेट द डोर बी ओपनड. रूल नंबर टू, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म. सबसे पहले एग्जाम्पल लेंगे डोंट ओपन द डोर, उसे रूल के अकॉर्डिंग बनाएंगे लेट, फिर ऑब्जेक्ट है द डोर, आफ्टर दैट नॉट बी ओपन, लेट द डोर नॉट बी ओपन. प्लीज के स्थान पर यू आर रिक्वेस्टेड टू. रूल नंबर थ्री, प्लीज ओपन द डोर, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर. रूल नंबर फोर, प्लीज डोंट के स्थान पर यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू, प्लीज डोंट ओपन द डोर. तो इसका बनेगा यू आर रिक्वेस्टेड, प्लीज के स्थान पर यू आर रिक्वेस्टेड और डोंट के स्थान पर नॉट टू, नॉट टू ओपन द डोर, यानी यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू ओपन द डोर. यहां कुछ वर्ब दी जा रही हैं जिनके साथ बाय नहीं आता. जनरली पेसिव वाइज में असर्टिव और इंटरोगेटिव में बाय आता है ऑब्जेक्ट से पहले, लेकिन यहां ऑब्जेक्ट से पहले बाय ना कर एट आएगा, टू आएगा, इन आएगा या विद आएगा. वो एक्शन है सरप्राइज, एस्टोनिश, शॉक, अलार्म, डिस्ट्रेस, डिसअपॉइंट, वैक्सेस, इन सभी एक्शंस के साथ एट आएगा. नो और ऑब्लाइज के साथ टू, प्लीज, सेटिस्फाई, डिसगस्ट, इंप्रेस के साथ विद, इंटरेस्ट, कंसिस्ट, कंटेन, इन एक्शन के साथ आएगा इन, बाय के स्थान पर. एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए, आई सरप्राइज यू, यह सरप्राइज आ रहा है और सरप्राइज के साथ बताया हमने क्या, यू आर सरप्राइज्ड बाय मी, नहीं टू मी, यू आर सरप्राइज्ड टू मी. इसको याद करने के लिए एक मेमोरी टेक्निक से कुछ फार्मूले बनाए हैं, जैसे एस स्क्वायर ए स्क्वायर डी स्क्वायर वी, यानी वी से विजय बहुत दुखी है, ये हमने बनाया है. अब एस मीन सरप्राइज, शॉक्ड,
अलार्म एस्टोनिश डिस्ट्रेस डिसअपॉइंट और वी से वैक्सीज एक्स से क्या बताया मैंने सरप्राइज शॉक ए से अलार्म एस्टोनिश डी से डिस्ट्रेस डिसअपॉइंट और वी से वैक्सीज इन सभी एक्शन के साथ क्या आएगा एट ओके ओ मीन ऑब्लाइज के मीन नॉन यानी ऑब्लाइज और नॉन के साथ टू आएगा बाई के स्थान पर डी आई पी एस डी आई पी एस डी फॉर डिस्गस्ट आई फॉर इम्प्रेस पी फॉर प्लीज एस फॉर सेटिस्फाइड यानी डिस्ट्रेस इम्प्रेस प्लीज सेटिस्फाई के साथ आएगा विद इंटरेस्ट आईसीसी बैंक यानी आईसीसी इंटरेस्ट कंटेन कंसिस्ट इसके साथ आएगा आपका इन यानी इन सभी के साथ जो मैंने एक्शन बताए हैं किसी के साथ एट आएगा किसी के साथ टू किसी के साथ विद किसी के साथ इन ये बाय के स्थान पर आते हैं तो एक्टिव पैसिव इस तरह से समाप्त होते हैं।